मुंगेली जिले में भीषण गर्मी के कहर से नदी तालाब और कुएं सूख चुके हैं, तो वहीं कई हैंडपंप बिगड़े हुए हैं, जिस वजह से जल संकट गहरा गया है। जिले के एटीआर के सुदूर वनांचल ग्राम जाकर बांधा में हैंडपंप खराब होने के चलते नदी नालों में पानी नहीं है और इन तमाम दिक्कतों के चलते लोग झीरी खोदकर पानी निकालकर गंदा पानी पीने के लिए ही मजबूर हैं। वही बात की जाए तो ग्रामीणों को स्वच्छ पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, तो वही ग्रामीणों की समस्या को लेकर लोरमी के तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही पीएचई विभाग के अधिकारी को बंद हैंडपंप सुधरवाने के दिशा निर्देश देने की बात की गई। गौरतलब बात यह है कि पूरी गर्मी अपने शबाब पर है, लेकिन हर साल इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो विभाग हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी ही नहीं करते और जांच करने की बात कहकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री करके चलते बनते हैं और उसी के चलते इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं। बल्कि बरसात में भी नाली का पानी पीते हैं, और छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि बरसात में भी हमारे द्वारा बरसाती पानी को पिया जाता है, तो झिरिया करके आज कर रहे हैं।